आज हम JNM सेकेंड ईयर के चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग सब्जेक्ट से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। यहाँ सबसे पहला टर्म है निमोनिया। निमोनिया का मतलब है एक ऐसा कंडीशन जब लंग्स के जो सेल्स होते हैं या जो एयर सैक्स होते हैं उनमें इन्फेक्शन हो जाता है। एयर सैक्स जब इन्फ्लेमेट हो जाते हैं तो उस लंग के इन्फेक्शन को, एक या दोनों ही लंग के इन्फेक्शन को हम कहते हैं निमोनिया। ओके, नेक्स्ट है एन्यूरिसिस। एन्यूरिसिस का मतलब है बेड वेटिंग। ओके, रात के टाइम में बच्चों में अगर ब्लैडर कंट्रोल करने की क्षमता नहीं होती है और उनका यूरिन अपने आप पास होने लगता है तो उसको हम बेड वेटिंग कहते हैं या फिर एन्यूरिसिस कहते हैं। नेक्स्ट है टेम्पर टैंट्रम। टेम्पर का मतलब होता है गुस्सा और टैंट्रम का मतलब होता है गुस्से में की हुई एक्टिविटीज़। ओके, सो टेम्पर टैंट्रम हम कुछ बच्चों में देखते हैं। नॉर्मली बच्चे जो होते हैं उन्हें कुछ चीज़ पसंद होती है तो उनको उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा इच्छा होती है, उन्हें वो चीज़ चाहिए होता है, नहीं मिलता है तो वो रोने लगते हैं या फिर वो अच्छा फील नहीं करते हैं। वहाँ तक नॉर्मल है। कुछ बच्चे जब उनके इच्छा अनुसार चीज़ें नहीं होती हैं या उन्हें कुछ चाहिए उन्हें नहीं मिल पाता है तब वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, वायलेंट बिहेवियर शो करते हैं और उस गुस्से में वो कुछ अजीब तरीके से बिहेव करते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा चिल्लाना, बहुत तेज़ रोना, बहुत ज़्यादा देर तक वायलेंट बिहेव करना, चीज़ों को तोड़ना, गलत शब्दों का प्रयोग करना, ये सारी चीज़ें टैंट्रम्स में आती हैं। तो इस स्थिति को हम कहते हैं टेम्पर टैंट्रम। नेक्स्ट है पीडियाट्रिक नर्सिंग। पीडियाट्रिक नर्सिंग का मतलब है नर्सिंग का वो विभाग जिसमें प्रोफेशनल्स जो होते हैं, जिनको हम नर्सेस कहते हैं, वो लोग बच्चों के हेल्थ को लेके कंसर्न होते हैं, उनकी केयर के लिए जो काम करते हैं। तो बच्चों के हेल्थ के लिए, हेल्थ प्रमोट करने के लिए, हेल्थ को बनाए रखने के लिए, किसी भी तरीके के डिजीज़ से बचाने के लिए, अगर डिजीज़ हो, कोई इन्फेक्शन हो, कोई बीमारी हो बच्चों को, तो उस वो जितनी जल्दी हो सके उसे ट्रीट करके बच्चों को वापस नॉर्मल लाइफ में लाने के लिए, ये सारी प्रक्रिया के लिए जो केयर देते हैं नर्सेस बच्चों को, उस विभाग को, उस क्षेत्र को हम पीडियाट्रिक नर्सिंग कहते हैं। और बच्चों के लिए जो ये सारे केयर करते हैं वो व्यक्ति पीडियाट्रिक नर्स कहलाते हैं। ओके, नेक्स्ट है अबगार स्कोर। अबगार स्कोर हम तब करते हैं जब एक बेबी डिलीवर होता है, जब शिशु का जन्म होता है, उस टाइम पे हम उस बच्चे के कुछ जो पैटर्न होते हैं उसको हम मेजर करते हैं। अबगार एक्चुअली एक शॉर्ट फॉर्म है, इसमें एक एक लेटर का एक एक मतलब है। इसमें ए का मतलब है अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब होता है बच्चे का कलर, बच्चे की स्किन का कलर। स्किन का कलर इन द सेंस कि नॉर्मल स्किन का जो कलर है, जैसा भी टोन है बच्चे का, हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि बच्चे का स्किन टोन कैसा है, किस कलर में है, हम ये बात कर रहे हैं कि स्किन में किसी भी तरीके का डिस्कलरेशन तो नहीं है, कोई पैचेस तो नहीं है, ब्लूइश तो नहीं लग रहा है, ऑक्सीजन की कमी तो नहीं है, बहुत ज़्यादा रेडनेस तो नहीं दिख रहा है, जिसका मतलब है कि बच्चे को कोई इंजुरी हो रही है या बच्चे में कोई ब्लीडिंग हो रही होगी। तो उस तरीके के जो स्किन में चेंजेस हैं उसको हम देखते हैं अपीयरेंस में। ओके, नेक्स्ट आता है पी। पी का मतलब पल्स है। पल्स का मतलब बच्चे का हार्ट रेट। तो बच्चे का हार्ट रेट किस हिसाब से है, 100 बीट्स पर मिनट के हिसाब से है या नहीं है, एब्सेंट तो नहीं है, नॉर्मल तो है या बहुत ज़्यादा तो नहीं है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं पल्स में। जी का मतलब होता है ग्रिमेस। ग्रिमेस का मतलब होता है रिफ्लेक्सेस। ओके, हमारी बॉडी में नॉर्मली एक बच्चे से लेकर हम तक और हर एक व्यक्ति में रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं। रिफ्लेक्स एक्शंस का मतलब है कुछ ऐसे अचानक होने वाले रिएक्शंस हमारी बॉडी में, जब भी कोई चीज़ हमारी बॉडी के टच में आती है या जब भी कोई चीज़ हमारी बॉडी के एक्सपोजर में आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम किसी गर्म चीज़ को
टच कर लेते हैं, गरम कढ़ाई हो गई, गरम कोई भी कोई आयरन प्रेस हो गया, हमने अगर गलती से उस चीज़ को टच किया है तो उस हीट की वजह से जो हमें नुकसान होगा या वो हीट जब हम महसूस करेंगे तो अचानक से हमारे सोचने से भी पहले कि अच्छा ये गरम है तो मैं जल जाऊंगी या जल जाऊंगी तो मेरा स्किन ख़राब हो जाएगा, ये सब कुछ नहीं सोचा जाता है। सोचने से भी पहले अचानक से हमारा हाथ वहाँ से हट जाता है, तो वो जो है वो रिफ्लेक्स एक्शंस हैं। तो कभी कुछ कुछ सिचुएशंस में ब्रेन हमारे महसूस होने से भी पहले हमारी बॉडी में कुछ इन्वॉलेंट्री एक्शंस करते हैं ताकि हम उस चीज़ से हमें कोई नुकसान ना हो, तो उस चीज़ को हम कहते हैं या हमारे सेंसेशंस में होता है उस चीज़ को हम रिफ्लेक्स कहते हैं। तो बच्चे में हम रिफ्लेक्सेस चेक करते हैं, तो अगर रिफ्लेक्सेस उसके नॉर्मल हैं या नहीं हैं वो हम यहाँ ग्रिमेस में देखते हैं। नेक्स्ट है ए, ए होता है एक्टिविटी। एक्टिविटी का मतलब है कि मसल टोन कैसा है, मस्कुलर मूवमेंट हो रहा है या नहीं, बच्चा मुट्ठी बांध पा रहा है, पैर फोल्ड कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, फ्लेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा, ये सारी चीज़ें हम एक्टिविटी में देखते हैं। रेस्पिरेशन का मतलब होता है ब्रेथ रेट, किस पैटर्न में बच्चा ब्रीथ कर पा रहा है वो हम रेस्पिरेशन में देखते हैं। ये जो अपकार है इसमें ये जो पांच चीज़ें हम देख रहे हैं उन सबकी तीन पॉइंट्स में हम मेजरमेंट लेते हैं। बहुत ख़राब है, बिल्कुल नहीं है या ख़राब है तो ज़ीरो, ख़राब और अच्छे के बीच में है तो वन, अच्छा है नॉर्मल है तो टू, तो ज़ीरो वन टू मार्क्स देते हैं हम ये पांच चीज़ों को। तो अगर पांचों ही चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं, अच्छी हैं, नॉर्मल है तो हम कहते हैं कि बच्चे का अपगार स्कोर 10 है, ठीक है, मतलब बिल्कुल नॉर्मल, बहुत अच्छा। इसके अलावा अगर स्कोर आता है 8, 9, 8 या 7 की रेंज में तो हम कहते हैं कि ये भी हम ठीक ठाक मान लेते हैं, नॉर्मल रेंज में मान लेते हैं। इससे भी कम है तो हम कहते हैं 7 से कम से लेकर 0 तक की रेंज में है तो हम ये समझते हैं कि बच्चे में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो ये जो पूरा एक मेजरमेंट स्केल है उसको हम अपगार स्कोर कहते हैं। ओके, नेक्स्ट इज़ इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन वो प्रक्रिया है जिसमें हम किसी सब्सटेंस को यूज़ कर जो सब्सटेंस है वो वैक्सीन कहलाती है, तो किसी सब्सटेंस को यूज़ कर किसी इंसान की बॉडी में इंट्रोड्यूस कराकर या डालकर पिलाकर इंजेक्ट कर कैसे भी हम उसकी बॉडी में उस चीज़ को डाल रहे हैं और उस सब्सटेंस के जाने से उसको हम एक क्षमता दे रहे हैं किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाले इन्फेक्शन से बचने की। ओके, सो इम्यूनाइजेशन का मतलब है वो प्रोसेस जिसमें हम एक सब्सटेंस को यूज़ करते हैं किसी की बॉडी पे ताकि उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाले इन्फेक्शन से बचा सकें, तो उसको हम इम्यूनाइजेशन कहते हैं। जो पदार्थ हम इम्यूनाइजेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं उसे हम वैक्सीन कहते हैं। वैक्सीन लगाना किसी व्यक्ति को उसे हम वैक्सीनेशन कहते हैं। ओके, सो अगर इन तीनों में से कोई भी चीज़ आपसे पूछी जाती है तो आप इसमें कवरअप कर सकते हैं। नेक्स्ट है डायफ्रामेटिक हर्निया। डायफ्रामेटिक हर्निया, पहले हम बात कर लेते हैं कि डायफ्राम क्या है। डायफ्राम लंग्स के नीचे, फेफड़ों के नीचे एक स्केलेटल मसल का लेयर होता है, मतलब मसल का एक लेयर जो लंग्स के साथ मूव करता है। लंग्स जब सिकुड़ते हैं, जब एयर बाहर जाता है, जब लंग्स सिकुड़ते हैं तो ये डायफ्राम ऊपर की तरफ आ जाते हैं और जब लंग्स में हवा भरता है तो ये डायफ्राम नीचे आ जाते हैं। तो ये डायफ्राम लंग्स को हेल्प करते हैं, एक प्रेशर क्रिएट करते हैं जिस वजह से लंग्स नियमित तौर से हवा के पैसेज को करता रहता है। ओके, इस डायफ्राम के जस्ट नीचे जो है वो जो स्टमक है, इंटेस्टाइनल पार्ट्स हैं, वो सब कुछ होते हैं। ओके, कुछ बच्चे जो होते हैं वो इस अवस्था में पैदा होते हैं कि उनके उस डायफ्राम में किसी भी तरीके का होल या गड्ढा जैसा होता है। अब वो गड्ढे में से जो स्टमक है, इंटेस्टाइन है, उसके पार्ट्स जो हैं वो उस गड्ढे में से ऊपर की तरफ आते हैं लंग के मूवमेंट के साथ साथ। ऊपर आना, जैसे जैसे लंग में मूवमेंट होती है उस हिसाब से उनका अप एंड डाउन मूवमेंट चलता रहता है इसमें से। तो कोई भी चीज़ जब अपनी जगह से या अपनी कैविटी से किसी और जगह पे निकलनी शुरू हो जाती है उसको हम हर्निया कहते हैं। तो यहाँ पे डायफ्रामेटिक हर्निया का मतलब है जब
स्टमक और इंटेस्टाइन के पार्ट्स डायफ्राम के थ्रू, डायफ्राम के होल के थ्रू अपनी जगह से चेस्ट कैविटी में आते हैं, चेस्ट की तरफ आना शुरू हो जाते हैं, उसको हम डायफ्रामेटिक हर्निया कहते हैं. ओके, नेक्स्ट है हाइपोथर्मिया. हाइपोथर्मिया का मतलब है वो अवस्था जब बॉडी में जो टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर, जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो कम हो जाए तो उसको हम हाइपोथर्मिया कहते हैं. ओके, जब बढ़ जाता है तो उसको हम हाइपोथर्मिया कहते हैं, और हाइपोथर्मिया को ही फीवर या फीवर को ही पायरेक्सिया कहा जाता है. ओके, नेक्स्ट है डायबिटीज़ मेलाइटिस. डायबिटीज़ मेलाइटिस वो अवस्था है जब किसी भी बच्चे के ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज़्यादा हो तो उस हाइपरग्लाइसीमिया को हम डायबिटीज़ मेलाइटिस कहते हैं. ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा होना डायबिटीज़ मेलाइटिस है. नेक्स्ट है हाइड्रोसेफेलस. हाइड्रोसेफेलस वो कंडीशन है जब ब्रेन के सेल्स में या ब्रेन के अंदर CSF, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड. सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है हमारे ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड की तरफ ये फ्लूइड फ्लो करता रहता है. ये जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है अगर किसी बच्चे में बहुत ज़्यादा इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाए ब्रेन के बिल्कुल डीप अंदर तो उसको, उस अवस्था को हम कहते हैं हाइड्रोसेफेलस. ओके, हाइड्रोसेफेलस वाले जो बच्चे होते हैं उनका जो सर होता है वो फुला हुआ सा नज़र आता है इस फ्लूइड के बिल्डअप की वजह से. हाइड्रोसेफेलस के साथ साथ दो और टर्म्स भी पूछे जाते हैं जिसमें से एक है सेफेल हेमेटोमा और एक होता है कैपुट सक्सीडेनम. ओके, कैपुट सक्सीडेनम क्या है? कैपुट सक्सीडेनम के लिए हम पहले ये बात कर लेते हैं कि ये अगर स्कल है, मतलब ये जो क्रेनियम है या जो खोपड़ी जिसको हम कहते हैं स्कल है, स्कल के ऊपर, स्कल की जो बोन होती है, स्कल के बोन के ऊपर कवरिंग होती है. अगर आप कभी हड्डी का पिक देखेंगे तो हड्डी के जो टिश्यूज़ होती हैं उसके ऊपर एक स्मूथ सा एक कवरिंग होता है, उस जो हड्डी का ही पार्ट है. ओके, उसको हम पेरिओस्टियम कहते हैं. तो हम इसको मान लेते हैं कि ये स्कल है और ये पेरिओस्टियम है. ओके, और इसके ऊपर ये जो आप टच करते हैं उस स्किन को, उसको हम कहते हैं स्कैल्प. ओके, सो ये स्कैल्प है. ठीक है, ऐसा नॉर्मली बच्चे में होता है, हम सब में ऐसा ही होता है. अब अगर आप देखते हैं कि इस स्कल और पेरिओस्टियम, मतलब बोन के टिश्यू और उसकी कवरिंग के बीचों बीच अगर ब्लड भरना स्टार्ट हो जाता है तो उस अवस्था को हम कहते हैं सेफेल हेमेटोमा. हेमेटोमा ब्लड का भरना है. ठीक है, और सेफेल हेमेटोमा का मतलब है जब स्कल, मतलब स्कल का बोन और उसके ऊपर की कवरिंग जो है, बोन की कवरिंग जो है उसके बीच में जब ब्लड भरता है उसको हम सेफेल हेमेटोमा कहते हैं. दूसरी जो अवस्था मैंने बोली थी कैपुट सक्सीडेनम. कैपुट सक्सीडेनम वो कंडीशन है जब किसी प्रेशर की वजह से, जब बेबी डिलीवर हो रहा हो किसी प्रेशर की वजह से अगर कहीं भी थोड़ी सी इंजरी है या फ्लूइड लीक हो रहा है और ये जो बोन है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. बोन क्योंकि बहुत सॉफ्ट है, स्कैल्प भी बहुत सॉफ्ट होता है नवजात शिशु में, तो ये स्कैल्प और बोन के बीच में पानी भर जाता है. उस पानी के भरने की सिचुएशन को हम कैपुट सक्सीडेनम कहते हैं. तो कैपुट सक्सीडेनम बहुत माइल्ड कंडीशन है जिसमें धीरे धीरे जब ये सूजन ठीक हो जाएगा तो बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा. उससे सीवियर है कि हड्डी जो है स्कल की, उस हड्डी और उसकी कवरिंग के बीच में जब ब्लड फंस जाता है तो वो बहुत सीवियर कंडीशन होता है. ओके, सो देखा गया है कि तीनों सवाल पूछे जाते हैं. हाइड्रोसेफेलस जब ब्रेन के टिश्यूज़ के बिल्कुल डीप में CSF बहुत ज़्यादा भरना शुरू हो जाता है उसको हाइड्रोसेफेलस कहते हैं. स्कल और स्कल के ऊपर का जो पेरिओस्टियम है उसकी जो परत है, स्कल की हड्डी और हड्डी की परत जो है उसके बीच में जब खून भर जाता है उसको सेफेल हेमेटोमा कहते हैं. और हड्डी और उसके ऊपर का जो ये स्किन लेयर है जिसको स्कैल्प कहते हैं, स्कैल्प और हड्डी के बीच में जब पानी भर जाता है उसको हम कैपुट सक्सीडेनम कहते हैं. ओके, नेक्स्ट है वूपिंग कफ. वूपिंग कफ जो है उसको पर्ट्यूसिस भी कहा जाता है. बॉर्डिटेला पर्ट्यूसिस एक बैक्टीरिया है जो अगर किसी, हम क्योंकि अभी बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं तो अगर किसी बच्चे को ये बैक्टीरिया इन्फेक्ट कर दें तो उनके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ये बैक्टीरिया इन्फेक्ट करता है और बहुत ज़्यादा खांसी और जुकाम रहता है बच्चों को,
इस बैक्टीरिया की वजह से होने वाले रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन को हम पर्ट्यूसिस या फिर वूपिंग कफ कहते हैं. ओके, नेक्स्ट है क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट. ये बहुत कॉमनली पूछा जाता है. क्लेफ्ट मतलब होता है कटा हुआ. जब एक बच्चा डेवलप कर रहा होता है तो डेवलपमेंट के दौरान धीरे धीरे जब ये स्ट्रक्चर्स बनते हैं तब जो ये मसूड़े हैं, मसूड़े की जो लेयर है, जो नाक है, जो टंग होता है, लिप्स होता है, ये सब कुछ आपस में फ्यूज़ होते हैं और फ्यूज़ होके एक कवरिंग पूरी अच्छी हो जाती है. क्योंकि एक कंटिन्यूस जैसा हम अभी देखते हैं या किसी बच्चे को हम देखेंगे तो जैसा नॉर्मल है, कुछ बच्चों में ये जो स्किन है या ये जो हड्डियां हैं ये ठीक से फ्यूज़ नहीं हो पाती या एक दूसरे के साथ मिल नहीं पाती. तो कुछ बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनके लिप में एक कट होता है. कट मतलब ये लिप, आप अगर वो कट देखेंगे तो एक तरफ पूरा लिप एक तरफ और एक तरफ पूरा लिप, तो इस तरीके से एक कट, ये कुछ ऐसा ऐसा एक स्क्रैच नहीं, पूरा कटा हुआ टाइप का, ज़्यादा कम जितना भी, उसको हम क्लेफ्ट लिप कहते हैं. ज़्यादातर बच्चे जो क्लेफ्ट लिप के साथ पैदा होते हैं उनका जो पैलेट है, ये जो आप ऊपर के दांत का एरिया पैलेट का देखते हैं, उस स्किन में भी पूरी कटिंग नज़र आती है. तो अगर लिप में कट है तो लिप का स्किन अगर फ्यूज़ नहीं हो पाया, लिप में कट है तो क्लेफ्ट लिप हो गया, पैलेट में है तो वो क्लेफ्ट पैलेट हो गया. और ज़्यादातर क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट एक साथ देखे जाते हैं बच्चों में. ओके, नेक्स्ट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ग्रोथ का मतलब होता है बच्चों में जब सेल बढ़ने लगते हैं, उनके नंबर में भी और आकार में भी, साइज़ में भी जब बढ़ते हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि उनके ऑर्गन्स, उनके बोन्स बड़े हो रहे हैं, तो उसको हम ग्रोथ कहते हैं. डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ साइज़ में बढ़ना या नंबर में बढ़ना नहीं है, उनकी जो खासियत है, क्षमता है, खूबी है, फिज़िकली सिर्फ नहीं, मेंटली और फंक्शनली जब एक बच्चे में विकास होता है तो उसको हम डेवलपमेंट कहते हैं. ओके, नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग. ये ज़्यादातर डिफरेंस की तरह भी पूछा जाता है कि कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग क्या है और सप्लीमेंट्री फीडिंग क्या है. कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग और वीनिंग का मतलब सेम होता है. नॉर्मली हम कहते हैं कि 6 महीने की एक आयु तक, एक नवजात शिशु में 6 महीने तक का जो टाइम पीरियड होता है, तब तक उस बच्चे को केवल और केवल बॉडी के न्यूट्रिशन के लिए मदर का मिल्क काफ़ी होता है, ब्रेस्ट फीडिंग काफ़ी होता है. उसके अलावा हम उस बच्चे को कुछ भी देने के लिए एडवाइस नहीं करते हैं. 6 महीने के बाद हम धीरे धीरे बच्चे को, क्योंकि बच्चे को अब और भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, और धीरे धीरे हम ब्रेस्ट फीडिंग कम करके बच्चे को नॉर्मल खाना देना चाहते हैं ताकि वो आगे चलकर नॉर्मल खाना डाइजेस्ट कर सकें. तो वो जो नॉर्मल खाना देना शुरू करने का प्रोसीजर होता है ब्रेस्ट फीडिंग के साथ साथ, उसको हम 6 महीने के बाद, उसको हम कहते हैं वीनिंग या फिर कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग. सप्लीमेंट्री फीडिंग का मतलब है जब हम आहार देते हैं तो उसमें कोई पर्टिकुलर टाइप का आहार और देना. नॉर्मल जो हम आहार दे रहे हैं बच्चों को वो तो दे ही रहे हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कि बच्चे को आयरन की कमी है, प्रोटीन की कमी है, एनर्जी की कमी है या कोई भी विटामिन की कमी है, उस अवस्था में जब हम बच्चों को उस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट का अगर आहार और ऐड करें उसके आहार में, तो उसको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री फीडिंग. तो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग शुरुआत करना होता है आहार देने का, और सप्लीमेंट्री का मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट का देना नॉर्मल आहार के साथ साथ, किसी एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट का ज़्यादा देना. ओके, नेक्स्ट है क्वाशियॉर्कर और मरास्मस. ये दोनों एक प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन डिजीज़ है, PEM के फॉर्म में भी ये लिखा जाता है, प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन. उनमें आने वाले 2 कंडीशंस हैं क्वाशियॉर्कर और मरास्मस, जिसमें मरास्मस जो होता है, मरास्मस एक ऐसा कंडीशन है जो एनर्जी डेफिशिएंसी होता है. ठीक है, अगर किसी बच्चे के शरीर में एनर्जी की बहुत डेफिशिएंसी है, एनर्जी वाले आहार की बहुत कमी है किसी बच्चे के शरीर में और प्रोटीन भी कम है, तो उसको हम कहते हैं मरास्मस. क्वाशियॉर्कर एक थोड़ा कम सीवियर कंडीशन होता है जिसमें बच्चे के शरीर में केवल और केवल प्रोटीन की कमी है, एनर्जी उस बच्चे के बॉडी में नॉर्मल है. ठीक है, एनर्जी वाले जो
खान पान है वो नॉर्मल चल रहे हैं, एनर्जी इज़ ओके, लेकिन प्रोटीन डेफिशिएंट है तो हम क्वेश्चन कर कहते हैं। लेकिन अगर एनर्जी और साथ साथ प्रोटीन दोनों ही बहुत कम है, बिल्कुल कमी है बॉडी में, तो उसको हम मरास्मस कहते हैं। तो ये दोनों मिलाकर हम प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन या PEM के नाम से इसको पढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं मेनिंजोसील और मेनिंजोमाइलोसील की तरफ। ये दोनों ही स्पाइना बाइफिडा में के टाइप्स होते हैं। स्पाइना बाइफिडा एक ऐसा कंडीशन है जब एक बच्चे में जो स्पाइन है, स्पाइनल कॉर्ड है, उसमें जो स्पाइन है, स्पाइन स्पाइनल कॉर्ड, ये ठीक से जब बन नहीं पाते हैं, ठीक से इनके ऊपर कवरिंग नहीं हो पाती है या ठीक से इनका फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, तो हम उस अवस्था को कहते हैं स्पाइना बाइफिडा। ओके, स्पाइना बाइफिडा के दो टाइप्स के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं, मेनिंजोसील और माइलोमेनिंजोसील। तो सबसे पहले हम पहले स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइना स्पाइन और स्पाइनल कॉर्ड देख लेते हैं। तो अगर हम ये स्किन की तरह देखते हैं, ये वर्टिब्रे है, ठीक है, रीढ़ की हड्डियाँ, और यहाँ पे हम देखते हैं ये स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। तो ये स्किन है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये हड्डियाँ हैं, वर्टिब्रेज हैं। ओके, सो हम देखते हैं कि मेनिंजोसील में हम देखते हैं इस तरीके का फॉर्मेशन कि जो बच्चा पैदा होता है उसके बिल्कुल बैक में एक सैक जैसा, एक पाउच जैसा, एक थैली जैसा होता है छोटा सा, और उसको आप टच करेंगे तो आपको पानी जैसा उसमें फील होता है। तो अगर उसमें सिर्फ पानी है और बाकी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो नहीं है, उसका कोई हिस्सा नहीं है, सिर्फ पानी है, तो हम कहते हैं कि वो मेनिंजोसील है। लेकिन मेनिंजोसील से भी ख़तरनाक एक सिचुएशन होता है जब ये जो थैली है इसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड भी हो और नर्व्स भी हो, तो हम कहते हैं कि वो मेनिंजोमाइलोसील है, जो बहुत ख़तरनाक है। क्योंकि अगर इस थैली में स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स के अगर अंश हैं तो इसका मतलब है कि वो डैमेज्ड हैं, इसका मतलब कि बच्चे को बहुत सीवियर प्रॉब्लम है। ओके, तो स्पाइना बाइफिडा जब वो ठीक से स्पाइन या स्पाइनल कॉर्ड फॉर्म नहीं हो पाते हैं, क्लोज नहीं हो पाते हैं, अगर जो सैक या जो थैली सी है उसमें केवल और केवल पानी है, फ्लूइड है, तो हम कहते हैं मेनिंजोसील है। लेकिन अगर उस थैली में पानी के साथ साथ स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स भी हैं तो इसका मतलब वो मेनिंजोमाइलोसील है। ओके, नेक्स्ट आते हैं बर्थ इंजरी की तरफ। बर्थ इंजरी का मतलब है एक बच्चे के पैदा होने के प्रोसेस के टाइम पे अगर उस बच्चे को स्ट्रक्चर में, मतलब आकार में या फंक्शन में कोई भी चोट लगती है, कोई घाव होता है, तो उसको हम कहते हैं बर्थ इंजरी। ओके, नेक्स्ट है कॉन्जेनाइटल अबनॉर्मैलिटी। कॉन्जेनाइटल अबनॉर्मैलिटी दोनों ही चीज़ों को मिला के बोली जाएगी। बर्थ के दौरान अगर कुछ हुआ है बच्चे को, या जब बच्चा माता के गर्भ में जब डेवलप कर रहा था उस पूरे दौरान, अगर प्रेगनेंसी के दौरान अगर बच्चे में कोई प्रॉब्लम हुई हो, जेनेटिकली कोई प्रॉब्लम हुई है, या मदर की वजह से कोई प्रॉब्लम हुई है, या फिर बर्थ होते वक्त बच्चे को कोई प्रॉब्लम हुआ है, तो हम उसको कंजेनाइटल अबनॉर्मैलिटी कहते हैं। मतलब अगर एक बच्चा जब पैदा होता है और आप उसमें अगर किसी भी तरीके की बीमारी देखते हैं तो हम कहते हैं कि ये जन्म के वक्त या जन्म से पहले हुआ है, इसलिए उसे हम कंजेनाइटल अबनॉर्मैलिटी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं डाउन सिंड्रोम की। डाउन सिंड्रोम जो है वो एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। हमारी बॉडी में जीन्स और क्रोमोसोम्स होते हैं, बहुत सारे जीन्स हैं और 46 क्रोमोसोम्स होते हैं जो जोड़ियों में होते हैं। तो हम कहते हैं कि 23 जोड़ी में हमारे पास क्रोमोसोम्स हैं। ओके, सो जो 21वीं जोड़ी होती है क्रोमोसोम की, उसकी बीमारी को हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं। जब मैंने कहा जोड़ी, इसका मतलब था कि दो क्रोमोसोम, लेकिन कुछ बच्चे जो पैदा होते हैं उनके 21वें क्रोमोसोम की जोड़ी में दो क्रोमोसोम के अलावा एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड हो जाता है, तो
तीन क्रोमोसोम का होना 21वें क्रोमोसोम की जगह पे दो की जगह तीन क्रोमोसोम का हो जाना, उस बीमारी को हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं। जो बच्चे डाउन सिंड्रोम के साथ पैदा होते हैं उनके बॉडी फीचर्स में, उन वो जैसे दिखते हैं, उनकी हाइट, उन सारी चीज़ों में बहुत अबनॉर्मैलिटी होती है और साथ साथ उन बच्चों के डेवलपमेंट में भी बहुत तरीके के प्रॉब्लम्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं मीज़ल्स की। मीज़ल्स जो है वो पैरामैक्सोवायरस फैमिली से के एक वायरस से होने वाली एक बीमारी है, जो बेसिकली सबसे पहले एक बच्चे के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अटैक करती है और फिर पूरी बॉडी को अटैक करती है। ओके, नेक्स्ट है प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग का मतलब है किसी बच्चे को अगर ऐसी वॉमिटिंग हो, उल्टी आए, जो नॉर्मली उल्टी होती है बच्चों को, वो बहुत सीरियस कंडीशन नहीं है, कुछ भी अगर बॉडी अगर जी आई ट्रैक्ट में इरिटेट करता है तो हो सकता है कि उल्टी हो जाए, लेकिन अगर ऐसे पैटर्न में अगर उल्टी हो रही है या वॉमिटिंग हो रही है जो बहुत दूर, मतलब जैसे ही उल्टी हो तो वो जो फूड पार्टिकल है या जो भी है फ्लूइड पार्टिकल है वो एक एंगल में बहुत दूर तक जाके गिर रहे हैं, एक एंगल में, जैसे अगर एक बच्चा यहाँ पे है और एक एंगल में आके अगर फ्लूइड या फूड पार्टिकल गिर रहे हैं बहुत दूर, तो उसका मतलब है कि उतने प्रेशर में उनके जीआई सिस्टम में से वो फूड आया होगा, तो उसको हम प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग कहते हैं। प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग जो है वो किसी भी तरीके के जीआई सिस्टम के डिसऑर्डर, मतलब कुछ सीरियस जीआई सिस्टम के डिसऑर्डर का लक्षण होता है, जिसके लिए मतलब ऐसे पैटर्न में अगर वॉमिटिंग होती है तो बहुत ज़रूरी है कि हम उसको ट्रीट करें। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइपर, अब हम पढ़ते हैं हाइपरबिलरुबिनेमिया। ईमिया मतलब ब्लड, हाइपर मतलब बहुत ज़्यादा, बिलरुबिन जब ब्लड में बहुत ज़्यादा होता है बच्चों के तो उस कंडीशन को हम हाइपरबिलरुबिनेमिया कहते हैं। इस डिज़ीज़ को हम जॉन्डिस कहते हैं। ओके, सो नियोनेटल जॉन्डिस जो होता है, जो बच्चों को पैदा होते ही जॉन्डिस होता है, वो कंडीशन कहलाता है हाइपरबिलरुबिनेमिया। ओके, नेक्स्ट है पोलियोमेलाइटिस। पोलियोमेलाइटिस जो है वो ह्यूमन एंट्रिक वायरस की वजह से या फिर पोलियो वायरस की वजह से एक बच्चों में होने वाला एक डिसऑर्डर है। ये जो पोलियो वायरस, ये ह्यूमन एंट्रिक वायरस जो है, ये बॉडी में इन्फेक्ट करके डायरेक्टली नर्वस सिस्टम को, मतलब ब्रेन के सिस्टम को, नर्व सिस्टम को अटैक करते हैं, जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन होने वाले बच्चों में पैरालिसिस होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, सो इसको हम पोलियोमेलाइटिस कहते हैं और इसी के लिए जो हम वैक्सीन देते हैं उसे हम पोलियो वैक्सीन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है साइनोसिस। साइनोसिस का मतलब है किसी भी कारण से अगर ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कम हो तो उस ब्लड वेसल का कलर ब्लूइश हो जाता है, इस वजह से उस एरिया का स्किन जो है कहीं भी हाथ पैर किसी भी एरिया में अगर ब्लूइशनेस नज़र आ रहा है स्किन में, तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन की कमी है। तो ब्लूइश कलरेशन, ब्लूइश ग्रेइश कलरेशन जो होता है स्किन का ऑक्सीजन की कमी की वजह से, उस अवस्था को हम साइनोसिस कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव। बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव यूनिसेफ की तरफ से और यूनिसेफ, यूनेस्को, WHO की तरफ से किया गया एक इनिशिएटिव था, जिसमें उन वो चाहते थे कि ऐसे सेटअप्स बनाए जाएं हॉस्पिटल्स को थोड़ा कंफर्टेबल बनाने के लिए, ताकि मदर को ज़्यादा से ज़्यादा हम एडुकेट कर सकें कि ब्रेस्ट फीडिंग कितना इम्पॉर्टेंट है। तो ब्रेस्ट फीडिंग को सपोर्ट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, उसके बारे में उसके जो एडवांटेजेस हैं वो बताने के लिए और उसके लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट हो सके हॉस्पिटल में, इसके लिए शुरू किया गया जो एक स्ट्रैटेजी था उसको हम कहते हैं बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव। ओके, नेक्स्ट है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल अनीमिया, अनीमिया का मतलब होता है आरबीसी या आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन है वो अगर ब्लड में कम हो तो उस अवस्था को हम अनीमिया कहते हैं। सिकल सेल अनीमिया वो कंडीशन है जो जेनेटिकल रीजंस की वजह से होता है बच्चों में, पैदाइशी होता है ये, और ये ऐसा कंडीशन है जिसमें आरबीसी जो है उसका शेप, नॉर्मली जो ऐसा जो शेप होता है आरबीसी का, वो ऐसा ना होकर हसिया जैसा शेप हो जाता है, ऐसा सिकल, सिकल हसिया होता है, आपने देखा होगा घास काटने वाला जो हसिया है उसको, उसका जो शेप है वैसा हो जाता है,
तो ये ऐसे जो RBCs हैं वो इमेच्योर होते हैं, वो बहुत जल्दी जल्दी, जैसे नॉर्मली हम कहते हैं कि RBCs जो है 120 दिन तक रहते हैं, उसके बाद वो डैमेज हो जाते हैं, तब तक नया बन जाता है। ये 120 दिन तक फंक्शन करने लायक RBCs नहीं होते हैं। प्लस क्योंकि इनका शेप ऐसा है, ये ब्लड वेसल्स के अंदर फंस जाते हैं ब्लड में, और इसकी वजह से ब्लड ठीक से पहुंच नहीं पाता है। ब्लड की क्वालिटी, ब्लड की क्वांटिटी सब खराब हो जाती है जब RBC का शेप बदल जाता है। उस टाइप के एनीमिया को हम कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। ओके, नेक्स्ट है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स जो है वो वैरिसिला जोस्टर वायरस की वजह से होने वाला एक इन्फेक्शन है। जब ये वायरस किसी भी बच्चे की बॉडी में एंटर करता है तो बॉडी में खुजली होती है और फ्लूइड भरे हुए छोटे छोटे दाने स्किन के ऊपर आना शुरू हो जाते हैं। उस इन्फेक्शन को हम चिकन पॉक्स कहते हैं। नेक्स्ट है स्पाइना बाइफिडा। स्पाइना बाइफिडा के बारे में ऑलरेडी हमने यहाँ पे बात किया मेनिंजोसील और मेनिंजोमाइलोसील में, कि स्पाइना बाइफिडा वो तो टाइप्स थे। बेसिकली स्पाइना बाइफिडा का मतलब यही है कि जब एक बच्चे में डेवलपमेंट हो रहा होता है यूट्रस के अंदर, मदर के यूट्रस के अंदर जब एक बच्चा डेवलप हो रहा होता है, जब उसके स्पाइन और स्पाइनल कॉर्ड और सब चीज़ें बन रही होती हैं, तब अगर ठीक से ना बन पाए, वो अगर ठीक से कवर नहीं हो पाए, तो उस डिसऑर्डर को हम कहते हैं स्पाइना बाइफिडा। ओके, नेक्स्ट है रूमेटिक फीवर। रूमेटिक फीवर जो है वो एक बैक्टीरिया की वजह से होने वाला एक इन्फेक्शन है, जिसको हम ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया कहते हैं। इस बैक्टीरिया की वजह से, ये बैक्टीरिया जब किसी की बॉडी को इन्फेक्ट करें, तो उस वजह से जब इन्फ्लेमेशन होना स्टार्ट हो बॉडी में, तो उस तरीके के बीमारी को हम रूमेटिक फीवर कहते हैं। ज़्यादातर हम देखते हैं कि सबसे पहले किसी को भी रूमेटिक नहीं होता है, स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से सबसे पहले थ्रोट में इन्फेक्शन होता है, बहुत छोटे स्तर पे। अगर वो थ्रोट इन्फेक्शन जो ये स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से हुआ, उसको अगर हम ठीक से ट्रीट ना कर पाएँ या जल्दी ट्रीट ना करें, तो वो वहाँ रह कर धीरे धीरे मात्रा में बढ़कर जो एक डिजीज़ कॉज कर देते हैं, उसको हम कहते हैं रूमेटिक फीवर। ओके, नेक्स्ट है मेनिंजाइटिस। मेनिंजस जो होता है वो ब्रेन के ऊपर के मेम्ब्रेन कवर को कहते हैं। ब्रेन के ऊपर जो मेम्ब्रेन की परत है, जो कवरिंग है, उसको हम मेनिंजस कहते हैं। उसमें अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसको हम मेनिंजाइटिस कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब है बच्चे को माँ के द्वारा ब्रेस्ट मिल्क जो पिलाया जाता है, उसको स्तनपान जिसको हम कहते हैं, उसको हम ब्रेस्ट फीडिंग कहते हैं। नेक्स्ट है अंडर फाइव क्लिनिक वो सेंटर्स हैं जो इसलिए बनाए गए हैं ताकि 5 साल से छोटे बच्चों के स्वास्थ्य को बढ़ाए रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उनको बीमारियों से बचाने के लिए, वैक्सीनेशंस के लिए, अगर वो बीमार हो गए हैं तो जल्द से जल्द जितना हो सके उतनी अच्छी उनको ट्रीटमेंट देने के लिए, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, इन सब चीज़ों को की जो फैसिलिटी है, सर्विसेज हैं, वो देते हुए जो सेंटर्स बनाए गए थे, उसको हम अंडर फाइव क्लिनिक कहते हैं। नेक्स्ट है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, मतलब पैदाइशी जेनेटिकली होने वाला एक डिसऑर्डर है, जिसमें जो हमारे ब्लड में नॉर्मली क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, जो वक्त वक्त पे प्रोटीन होता है, वो प्रोटीन हेल्प करता है ब्लड को बहुत जल्दी क्लॉट होने के लिए, जम जाने के लिए। ये जमने की जो एक क्षमता होती है ब्लड में, वो हेल्प करती है हमें कि हमें अगर कहीं लग जाए, कुछ हो जाए, तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होती है, क्योंकि जम जाता है ब्लड कहीं पर तो उसके आगे ब्लड वहाँ बहाव नहीं होता है, तो वो एक मदद है जो हमारी बॉडी हमें देती है। लेकिन अगर कोई बच्चा पैदा होता है इस प्रोटीन की कमी के साथ या इस क्लॉटिंग फैक्टर की कमी के साथ, तो उस डिसऑर्डर को, डेफिशिएंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर, या ब्लड अगर किसी बच्चे का क्लॉट नहीं हो पा रहा है, तो उस एक जेनेटिक या कॉन्जेनेटल अवस्था को हम कहते हैं हीमोफीलिया। नेक्स्ट है कोलोस्टोमी। कोलो जो है वो कोलोन के लिए बोला गया है, इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और स्टोमी जो है वो ओपनिंग के लिए बोला गया है। ओके, तो पेट का जो अब्डोमिनल वॉल है, पेट में होल बनाकर लार्ज इंटेस्टाइन के एक पार्ट को खींचकर जब हम यहाँ तक जोड़ देते हैं और वहाँ से, मतलब एक ओपनिंग बना देते हैं और वहाँ से एक पाउच बाहर की तरफ लटका हुआ होता है, वो जो प्रोसीजर है उसको हम कोलोस्टोमी कहते हैं। कोलोस्टोमी इसलिए किया जाता है ताकि लार्ज इंटेस्टाइन तक जो स्टूल पहुंच जाए, वो
और नीचे ना जाकर लार्ज इंटेस्टाइन से सीधा ये जो होल बनाया गया है एब्डोमेन में, वहाँ से इस पाउच में आ जाए। तो जब पाउच भर जाता है स्टूल से, तो उस पाउच को फिर निकाल कर फेंक दिया जाता है और दूसरा पाउच उस होल के वहाँ पे लगा दिया जाता है। उस प्रोसीजर को कोलोस्टोमी कहते हैं। कोलोस्टोमी क्यों किया जाता है? जब किसी भी तरीके का लार्ज इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम हो, किसी एक पोर्शन के बाद सेल डैमेज हो गया है, ऑब्स्ट्रक्शन है, खराबी हो गई है, आगे वो रेक्टम या एनस के थ्रू जब स्टूल नहीं आ सकता है, उन सारे कंडीशन में, कोई कैंसर हो बच्चों में, तो उन सब कंडीशन में कोलोस्टोमी करने की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट मैल न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन पोषण तत्व होते हैं। मैल मतलब ख़राब। अगर किसी बच्चे में पोषण तत्व ठीक से नहीं मिल रहे हैं, एक दो या अनेक पोषण तत्व नहीं मिल रहे हैं बच्चे को, तो उस न्यूट्रिशन की कमी को हम मैल न्यूट्रिशन कहते हैं। नेक्स्ट है जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। जुवेनाइल डेलिक्वेंसी का मतलब है बच्चों के द्वारा हुए गए क्रिमिनल एक्टिविटी को, असामाजिक जो एक्टिविटीज़ हैं, चोरी करना या किसी के साथ मारपीट करना या किसी भी व्यक्ति के संपत्ति या जान को हानि पहुंचाना, ऐसे जो असामाजिक जो एक्शंस होते हैं, अगर वो कोई बच्चा करता है तो हम उस एक अवस्था को जुवेनाइल डेलिक्वेंसी कहते हैं। नेक्स्ट है लो बर्थ वेट बेबी। लो बर्थ वेट बेबी उन बच्चों को कहा जाता है जो जब जन्म लेते हैं तो उनका जो बॉडी वेट होता है, वज़न होता है, वो 2.5 किलोग्राम से कम होता है। ठीक, तो हम कहते हैं कि अगर 2.5 किलोग्राम से कम का बच्चा अगर जन्मा है तो वो LBW बेबी है या फिर लो बर्थ वेट बेबी है। पिका एक ऐसा कंडीशन है जब बच्चों में आदत हो जाती है ऐसी चीज़ों को खाने की जो खाने के योग्य नहीं होते हैं या जिनमें पोषण तत्व नहीं होता है, जैसे चौक खाना या मिट्टी खाना या कोई भी ऐसी चीज़, दीवार में से जो पपड़ी है उसको खाना, वो सारी चीज़ें की जो आदत कुछ बच्चों में बहुत ज़्यादा हो जाती है, जो खाने के पदार्थ नहीं होते हैं उसको खाने की जो शैली है उसको हम पाइका कहते हैं। नेक्स्ट है प्रीमेच्योर इन्फेंट्स। प्रीमेच्योर इन्फेंट्स उन्हें कहा जाता है जो एक डिलीवरी के नॉर्मल टाइम पीरियड से पहले पैदा होते हैं। पूरा जो डिलीवरी का एक नॉर्मल टाइम पीरियड है, जेस्टेशन पीरियड जिसको हम कहते हैं, वो माना जाता है 40 हफ्ते। 40 हफ्ते से पहले, मतलब 37 वीक से पहले अगर कोई बच्चा पैदा हो तो हम कहते हैं कि वो बच्चा प्रीमेच्योर था, प्रीमेच्योर बेबी था। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायरिया। डायरिया एक ऐसी अवस्था है जब बहुत ज़्यादा पानी या फ्लूइड टाइप का स्टूल, बहुत ज़्यादा अगर किसी बच्चे में से अगर ऐसा स्टूल पास होना स्टार्ट हो तो उसे हम डायरिया कहते हैं, दस्त। ओके, नेक्स्ट है कॉप्लिक स्पॉट। कॉप्लिक स्पॉट देख वो स्पॉट हैं जो हम मुंह के अंदर देखते हैं। मुंह के अंदर अगर बच्चों के रेत जैसे सफ़ेद सफ़ेद छोटे छोटे अगर स्पॉट हो या दिखाई दे, जो मीज़ल्स की शुरुआत को दर्शाते हैं, उस टाइप के स्पॉट को या उस टाइप के दाग को हम कहते हैं कॉप्लिक स्पॉट। ओके, नेक्स्ट है फोटोथेरेपी। फोटो मतलब लाइट, थेरेपी मतलब ट्रीटमेंट। अगर हम स्पेशल लाइट्स की मदद से किसी भी बच्चे की बीमारी को ट्रीट करने की कोशिश करते हैं तो उस प्रक्रिया को हम फोटोथेरेपी कहते हैं। ज़्यादातर हम फोटोथेरेपी जॉन्डिस के केसेस में देखते हैं, जो बच्चा जॉन्डिस के साथ पैदा होता है। तो फोटोथेरेपी जॉन्डिस में कैसे मदद करती है कि फोटोथेरेपी की जो लाइट होती है वो बच्चे की बॉडी के अंदर के जो बिलरुबिन है उसमें ऑक्सीजन मिलाने की कोशिश करते हैं, जिससे वो पानी में घुलना शुरू हो जाता है बिलरुबिन ज़्यादा जल्दी, और फिर बच्चे के जो स्टूल होते हैं उसमें से ये बाइल बॉडी से बाहर निकलना शुरू हो जाती हैं। ओके, नेक्स्ट है एन्सेफलाइटिस। एन्सेफल जो है वो ब्रेन के सेल के लिए कहा गया है, आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन। तो बच्चे के ब्रेन के जो सेल्स होते हैं उसमें अगर इन्फ्लेमेशन हो तो उसे एन्सेफलाइटिस कहा जाता है। ईसोफेजियल एट्रेशिया। एट्रेशिया मतलब जो ठीक से नहीं बना होता उसको हम एट्रेशिया कहते हैं। ईसोफेगस वो नली है जो मुंह को स्टमक के साथ जोड़ता है। जो हम खाना खाते हैं वो एक नली के थ्रू स्टमक तक पहुंचती है, उस नली को ईसोफेगस कहते हैं। कुछ बच्चों में देखा गया है कि ये नली पूरा नहीं बन पाती है, तो ये नली कुछ इस तरीके से, अगर ये नली ऐसे थी जो नीचे जाकर स्टमक से जुड़ जानी थी, तो ये नली बीचों बीच किसी रास्ते में कुछ ऐसी दिखती है।
ठीक है। तो ये नली पूरी ना बन पाना, ये अवस्था जो होती है ईसोफेगस पूरा ना बन पाना, इस अवस्था को हम कहते हैं ईसोफेजियल एट्रेशिया। ओके, नेक्स्ट है टिक्स। टिक्स का मतलब होता है एक ऐसी प्रॉब्लम या ऐसा एक इश्यू जिसमें बच्चा बहुत ज़्यादा बहुत बार बार बहुत जल्दी जल्दी अनवॉलेंट्री मूवमेंट या वोकलाइजेशन दिखाता है। मतलब या तो वो कोई ऐसी बात बार बार बोलता रहता है जिस जो वो अब चाहकर भी रोक नहीं पाता, कोई ऐसा शब्द या कोई एक एक वर्ड या एक सेंटेंस, जो सेंटेंस नहीं ज़्यादातर हम वर्ड्स में देखते हैं कि बार 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 उस चीज़ को वो बोलता रहता है, हर एक सेंटेंस के अंत में वही चीज़ रिपीट करता रहता है जिस चीज़ का उस को कोई कंट्रोल नहीं होता है। ओके, उसको हम वोकल टिक्स कहते हैं। और दूसरा होता है मोटर टिक्स, जिसमें जैसे आपने कभी देखा हो किसी को कि हाथ अपने आप हिल रहा है या नेक मूवमेंट हो रही है अपने आप, जो वो बच्चा चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर सकता। तो अनचाहे तरीके से बार बार जल्दी जल्दी अगर मस्कुलर मूवमेंट्स हो रहे हैं मूवमेंट या वर्बल में, तो उसको हम टिक्स कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है सोमनाम्बुलिज्म। सोमनाम्बुलिज्म का मतलब होता है नींद में चलने की आदत। ओके, नेक्स्ट है मंगोलिज्म। मंगोलिज्म का जो आज का टर्म है वो है डाउन सिंड्रोम। हमने पहले ही बात किया 21st क्रोमोसोम जब 2 की जगह 3 क्रोमोसोम हो जाते हैं, वो बहुत सदियों पहले जब जीन्स के बारे में क्रोमोसोम्स के बारे में नॉलेज नहीं थी किसी को, तब जो बच्चे डाउन सिंड्रोम के साथ पैदा होते थे उनमें जो लक्षण देखे जाते थे और किसी को पता नहीं था कि ये क्यों हो रहा है, उस टाइम पे इस बीमारी को मंगोलिज्म कहा जाता था। बाद में रिसर्चर्स के बाद जब पता चला कि इसकी वजह क्या है, ये क्यों होता है, तो फिर मंगोलिज्म के नाम को हटाकर डाउन सिंड्रोम बोला गया। ओके, नेक्स्ट ये कुछ एब्रिवेशंस हैं जिसके फुल फॉर्म्स नॉर्मली पूछे जाते हैं। DPT, डिप्टीरिया पर्ट्यूसिस टेटनस। ओके, नेक्स्ट है यूनिसेफ। यूनिसेफ यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एमरजेंसी फंड, उसको आज के टाइम में यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड बोला जाता है, लेकिन एक्चुअल में यूनिसेफ जो था दैट इज़ यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एमरजेंसी फंड। ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। RCH, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ। NRC जो है वो है न्यूट्रिटिव रिहैबिलिटेशन सेंटर, न्यूट्रिशन या न्यूट्रिटिव रिहैबिलिटेशन सेंटर। ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। BCG ये एक वैक्सीन है, जैसे DPT है वैसे BCG है, वैक्सीन के लिए बोला जाता है। बैसिल कैलमेट ग्यूरिन जो TB के लिए दिया जाता है उसको हम BCG कहते हैं। नेक्स्ट MMR, मम्स मीजल्स रुबेला, ये भी एक वैक्सीन है। CPR ये एक प्रोसीजर है जिस जो कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, ठीक है, जब एक बच्चा बहुत क्रिटिकल होता है, ब्रीथ नहीं कर रहे हैं, हार्ट बीट नहीं मिल रही है, तो जो हम प्रक्रिया करते हैं उसको CPR कहते हैं, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। नेक्स्ट है KMC, कंगारू मदर केयर। ओके, PDA, ये जो होता है PDA दैट इज़ एक्चुअली एक हार्ट का डिसऑर्डर जिसको कहते हैं पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस। जब एक ऐसा बच्चा पैदा होता है जिनके दोनों एट्रिया के बीच में अबनॉर्मल एक कनेक्शन हो जाता है, उस कंडीशन को हम पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है TOF। TOF उन बच्चों के लिए कहा जाता है जो ऐसे हार्ट डिसऑर्डर्स के साथ पैदा होते हैं जिनमें चार डिफरेंट हार्ट के डिफेक्ट होते हैं। तो चार डिफरेंट हार्ट के डिफेक्ट अगर एक साथ हों और ऐसा कोई बच्चा पैदा हुआ है तो उसको हम कहते हैं TOF। टेट्रालॉजी, टेट्रा का मतलब चार होता है, टेट्रालॉजी ऑफ फैलॉट। ओके, सो ये कुछ एब्रिवेशंस थे और उनके फुल फॉर्म्स थे। तो ये कुछ चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डील किया है। अगर आपको इनमें से किसी भी टॉपिक में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।